फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में नगर निकाय चुनाव में सपा प्रत्याशी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में नगर सिरसागंज से पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन पद की उम्मीदवार सरोज शर्मा पत्नी पंडित सीताराम शर्मा समाजवादी पार्टी से हैं। उन्होंने आज डोर टू डोर जनसंपर्क किया और सपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। क्षेत्रों की समस्याओं से जूझ रहे लोगों से बातचीत कर समस्याओं से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया और वहां से उन्हें क्षेत्रीय जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय मतदाताओं से सपा के पक्ष में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। जनता के ये मुद्दे हैं कि विकास कराना, पानी का विकास कराना, सड़कों का विकास कराना, मतलब शहर में जो भी विकास कराना होगा वो मैं कराऊंगी और जनता के बीच में जाके जनता से भी बात करूंगी कि क्या मुद्दे हैं। मैं घर घर जाऊँगा, जिस प्रकार से मैं वोट मांग रही हूँ उसी प्रकार से मैं घर घर जाऊँगी, उनकी समस्याओं को देखिए, अब वर्तमान में जो सरकार थी और डबल इंजन की सरकार थी सिरसागंज में, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। पैसा तो बहुत आया पर जो काम कराया वो कागजों पे हुआ है। आप समझ लीजिए कि शमशान घाट था, 1,80,00,000 रुपया उसके लिए आया। आप देख लीजिए जाके शमशान घाट पे क्या बना है, सिर्फ कागजों पर। यहाँ पर एक पार्क बनाया था उसके लिए भी काफ़ी पैसा आया। मतलब पैसा आया तो कई बार है परंतु काम कुछ भी नहीं हुआ, काम सिर्फ कागजों पर। मैं चेयरमैन रह चुकी हूँ पहले और मेरा विकास मेरी जनता ने देखा है और विकास देखने के बाद में मेरी जनताओं ने मुझको बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है और वो इसी प्रकार से मुझे आशीर्वाद दे रही है जैसे कि पहले मुझे जिताया था। विकास की आप मेरी पूछें तो मैंने विकास तो बहुत कराए हैं, मैं गिनाऊंगी नहीं। वो विकास 13 तारीख को मालूम पड़ेगा कि मैंने कितना विकास कराया है और अब जो जनता है वो जो भाजपा की जो सरकार थी उसने कितना कराया है। अपने टक्कर में कॉम्पिटिशन में किसको मानती है? मैं अपने कॉम्पिटिशन में किसी को नहीं मानती, मैं अपने कंपटीशन में अपने आप को ही मानती हूँ। मैं जीत दिखा के दिखाऊंगी, ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी कि 13 तारीख को आप लोगों को सबको पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है कि सर आपकी धर्मपत्नी खड़ी हुई है फिर से चेयरमैन पद पे, आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? जीत तो हमारी ही होगी और जीत विकास की होगी, जीत शांति की होगी, जीत कानून व्यवस्था करने की ठीक की होगी। जो हमने विकास का कराए थे वो जनता को सब पता है, वो काम आज तक कर रहे हैं। 20 साल के बाद सड़कें यथार्थ बनी हुई हैं, गलियाँ यथार्थ बनी हुई हैं। अम्बेडकर पार्क बनवाए थे, बनातगढ़ बनवाए थे, नगर पालिका भवन बनवाया, लाभिलागम मंच बनवाया, साई मंदिर की स्थापना की, तमाम विकास कार्य कराए, राजकीय महिला महाविद्यालय को पीजी कराया, जनरेटर ट्यूबवेल्स लगवाए, पूरे शहर को दूध दिया, रोशनी में नहा दिया था। तो ये सारे ऐसे विकास कार्य हैं जिनको जनता समझ चुकी है। मेरे बाद 3 चेयरमैन रह गए, उनका कार्यकाल उन्होंने देखा है और मेरा कार्यकाल को देखा है। तुलनात्मक देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।